देखिए, ये चांदी की तगड़ी है जो कमर में पहनते हैं वो है, तो ये मुझे काफी अच्छी लग रही थी। तो यहाँ मैं कुछ और चीज लेने गई थी तो मैंने यहाँ पे ये तगड़ी भी देखी, तो मैंने थोड़ा क्लिप बना ली इसकी, काफी अच्छी डिजाइन लग रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर कोई बनवाना चाहता है तो ये डिजाइन भी काफी अच्छी है, इसलिए मैंने शूट कर लिया। और यहाँ पे था ये चांदी का हार जो काफी अच्छा लग रहा था, गोल्ड की जो बनावट होती है उस तरीके का था, ये भी काफी अच्छा था। और इसके ईयरिंग भी थे साथ में, वो भी काफी अच्छे थे, मुझे काफी अच्छे लगे, आपको भी आई होप अच्छे लग रहे होंगे। और यहाँ ये हैं गोल्ड की अंगूठियाँ, जो हमारा इतना बजट नहीं था ये ले पाए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं 3:30 और मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है, तो आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए। और अचानक से मौसम हो गया खराब बाहर का, मैं आपको बाहर का व्यू दिखा, तो चलिए छत पे चलते हैं, छत पे चलते मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मौसम बहुत अच्छा था, व्यू मैंने दिखा दिया, काफ़ी बढ़िया था। और अब चलेंगे नीचे, और ये मेरे जो पौधे हैं काफ़ी सूख से गए हैं सर्दियों के मौसम में, तो अब नीचे चल के बनाएंगे चटनी, काफ़ी अच्छी चटनी बनती है आप देख सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो मसाले हैं, हरे धनिया, टमाटर, प्याज, लहसुन वगैरह, मिर्ची हरी, तो सारी सिलबट्टे पर रख लिया, और इसको पीस लूँगी मैं अच्छी तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चटनी पिस चुकी थी, तो इसे मैं सिलबट्टे से कटोरी में निकाल लेती हूँ। और कटोरी में निकालने के बाद इसको ऐसे भी खा सकते हैं और आप फ्राई करके भी खा सकते हैं, दोनों तरीके से काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं गूंद लेती हूँ आटा, जल्दी आटा गूंद लेती हूँ रोटियाँ बनाने के लिए, रोटियाँ मेरी बन जाएंगी जल्दी। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आटा गूंद के मैं रख दूंगी और उसके बाद देखूंगी सब्जी। आज मैंने बनाई है मेथी आलू की सब्जी, और आटा मेरा गूंद चुका था, ये साइड में रख दिया है। यहाँ देखिए, मेथी आलू की सब्जी बन रही थी जो काफ़ी अच्छी बनती है, और इसकी रेसिपी मैंने इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि इसको मैंने पहले भी शेयर कर रखा है, तो आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग्स जाकर, वहाँ आपको मिल जाएगी इसकी रेसिपी, और ये काफ़ी अच्छी बनती है। तो थोड़ी सी मेथी थी और इसमें हरे धनिया डाल के, आलू डाल के ये सब्जी बन गई है, तैयार हो गई है। तो यहाँ पे जो मैंने चटनी बनाई थी उसको थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ, फ्राई करके इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है, तो यहाँ पे इसको फ्राई करके रख लूँगी, तो चटनी हमारी रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की मैंने दो रेसिपी आपके साथ शेयर करी है मेरे आज के ब्लॉग में, तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा बेटा बना रहा था मैगी, क्योंकि इसको मैगी बनाना काफ़ी पसंद है, तो यहाँ टमाटर वगैरह, इसने प्याज वगैरह काट रखी थी, तो ये बनाएगा मैगी। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, और आज का ब्लॉग मेरा थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, एंड कमेंट में जरूर बताएं कि मेरा आज का ब्लॉग कैसा था। टाटा बाय।